Welcome back after the break. Audio Nazrata मौजूद है Port Grand पे और summer festival चल रहा है. Dr. Safdar Abbasi हमारे साथ मौजूद है. Sir, ये बताइए कि आप अपनी जो ये गर्मियों की छुट्टियाँ वुटियाँ हैं इसको मनाने का रिवाज है? Time ही नहीं मिलता था इसके लिए आपको? असल में frankly जो time तो बहुत ही कम मिला है जी, लेकिन मैं फिर भी कोशिश की है. मैंने काफ़ी जो पाकिस्तान के जितने भी ये जो माउंटेन एरियाज हैं. सर, ये अजीम इनका नाम है और ये इनके साइज से आपको पता चलना चाहिए. ये अपना जूस खुद ही पीता रहता है सर. जूस इनका बड़ा मजा, बड़ा अच्छा बनाया हुआ है माशाल्लाह. जी सर, तो उस हवाले से जब भी मौका मिला है तो मैंने कोशिश की है कि जी जितने भी पाकिस्तान के एरियाज वहाँ जाऊँ. लंदन भी तकरीबन इतफाक रहता है, कोई साल बाद या दो साल बाद जाने का जरूरत. सर, हाउ बिग इज योर फैमिली? मैं और मेरी वाइफ. आप और आपकी वाइफ है माशाल्लाह. तो एक दूसरे के लिए कितना टाइम है आपके पास? क्योंकि एक ही सियासत के अंदर थे तो एक ही साथ, चूँकि सियासी वाले से भी इकट्ठे रहे और कलीग्स एक किस्म के रहे हैं तो उस वाले से टाइम मिल जाता है एक दूसरे के साथ का. ये जो शादी को कितना अर्सा हो गया सर? तकरीबन जी 12 साल हो. 12 साल हो गए माशाल्लाह. तो ये शादी में मतलब आपको पता है मियाँ बीवी तो गाड़ी के दो पहिए हैं. मुझे आज तक ये नहीं बता सका कि बाकी दो पहिए कौन से थे, लेकिन उन दो पहियों में कभी कभी आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती है, इश्यूज़ के ऊपर इख्तलाफ भी होता है. आपका किसी कोई ऐसा कभी हुआ कि मेजर को बहुत बड़ा इशू पर इख्तलाफ हो? डॉक्टर सफदर अब्बासी कह रहे हैं कि नहीं नहीं हो सकता और नाइद आप कह रही हो कि नहीं ऐसे ही होगा, कभी इस तरह भी हुआ? मेरे ख्याल में ऐसा कोई इख्तलाफ हमारा कोई बड़ी उसमें नहीं हुआ. बाकी बुनियादी तौर पर हमने जो भी परसेप्शंस रही हैं चीज़ों के बारे में वो तकरीबन एक जैसी ही रही हैं. ओके. और ख़ास तौर पे सियासी वाले से जितनी भी हमारी परसेप्शंस रही हैं वो एक जैसी रही हैं. और उसके अंदर चूँकि अंडरस्टैंडिंग रही है और फिर नॉर्मली मैं समझता हूँ ज़्यादा नाइतफाक़ी उस वक्त होती है जबकि दो मुख्तलिफ जावियों से आदमी सोच रहा हो या दो मुख्तलिफ काम कर रहा हो. ओके. जब हम एक काम कर रहे होते हैं और सोच भी एक होती है और प्रिंसिपल्स भी एक हो जाते हैं एक लिहाज से, तो मैं समझता हूँ उसके अंदर आपको बहुत कम ऐसा मौका मिलता है कि जहाँ पे आपकी जो है ना वो लड़ाई झगड़े हों. और इस वक्त भी मैं समझता हूँ कि गुज़िश्ता जिस तरह 5 साल जो गुजरे हैं यकीनन जो 4 साल 4.5 साल मोहतरमा की शहादत के बाद वो काफ़ी कठिन पीरियड था क्योंकि एक सेट पैटर्न था लाइफ का. जब वो तब्दील होता है तो उसके बाद आप एक ऐसे सॉर्ट ऑफ हम सिचुएशन में फंस गए या एक ऐसी सिचुएशन में आ गए जहाँ पर प्रॉब्ली हम उसको ऐसे इस तरह कंटेम्प्लेट नहीं कर रहे थे. तो यकीनन उसके अंदर बहुत से फैसले, जैसे मैं हमेशा ये कहता हूँ कि पहले बहुत सी चीज़ें फैसले चूँकि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब करती थी तो इतनी ज़्यादा फिक्र नहीं होती थी. अब जब खुद करने पड़ रहे हैं तो कोशिश ये करते हैं कि अच्छा नाहिद आपका कोई सालगिरह वालगिरह आपको याद रहती है? हाँ जी, 25 दिसंबर. तो ये तो भूलने वाली नहीं है सर. तो आप क्या करते हैं मतलब उस दिन उनको आप क्या तोहफा क्या? एक्चुअली हम तोहफे तवाइफ तो कम ही हमने एक्सचेंज किए होंगे, लेकिन मेरी 26 दिसंबर है, उनकी 25 दिसंबर है. तो वो आपसे एक दिन बड़ी है? नहीं, मतलब ये कि वो साल का साल वैसे फ़र्क है साल का वो ज़रा वो फ़र्क है. ओके. लेकिन ये कि बुनियादी तौर पे 25 और 26 के मिड नाइट को उमन जो ना केक काटे जाते हैं. केक भी नहीं काटते, केक कभी कभी ऐसे घूमने चले गए, कभी कुछ कर लिया. और दूसरा ये कि बेसिकली 26 क्योंकि 25 और 26 की रात को होता है तो तमाम अगर कोई फैमिली वाले या दोस्त अगर वो फ़ोन करना चाहें तो नॉर्मली दोनों को इकट्ठी मुबारकबाद देती है 25 और 26 की रात. कभी कोई सरप्राइज तो दिया होगा ना आपने या उन्होंने आपको? कुछ सर, ये 12 साल हो गए शादी को, मतलब इतना तो ना करें ना, मतलब मेरा दिल टूट जाएगा. सरप्राइज हमने एक दूसरे कभी नहीं दिया. कभी नहीं दिया? मतलब ये सब अब तो फिर ये सरप्राइज होगा कि आप वो आके कहते हैं नाहिद आपा के बस मैंने फैसला कर लिया मैं ये पार्टी ज्वाइन कर रही हूँ ऐसा? अच्छा ये बताएंगे. मेरे ख्याल में नहीं, मेरे ख्याल में जो अब तक मेरी नज़र में जो दोनों जिस तरीके से सोचते हैं वो ये कि जी हम पार्टी वार्टी किसी में नहीं जा रहे हैं, हम इधर ही हैं. और हम ये समझते हैं कि जी जो चीज़ें खराबी की तरफ जा रही हैं उसको हम पॉइंट आउट करें. हम कम अज़ कम ये कि एक ऐसी जो है ना इशू वाइज ऐसी इशू ओरिएंटेड पॉलिटिक्स को जो ना हम फ़रोग दें, जन्म दें, जिसके अंदर पार्टीज़ के अंदर जो है ना इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो, पार्टीज के अंदर डेमोक्रेटाइजेशन हो और पार्टी के अंदर जो है ना एक आइडियोलॉजिकल अमल जो है ना वो ज़्यादा जो है ना डोमिनेट करे बने किसी की ज़ात के.